हमारे साथ ज्यादतियां बहुत हो गई है। 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से सबसे ज्यादा बेहतरीन इंतखाब हमने किया था। आपकी बुनियाद में भी एक पार्टी है, उसका बल्ब निशान है। एक आम घर में बैठ करके उनकी इनका पार्टी इलेक्शन कबूल है। मौलाना फजल रहमान के 40x40 कमरे में उनका इंतखाब कबूल है। जरदारी का ड्रेइंग रूम में इंतखाब कबूल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जिसने किसी सूबे में इलेक्शन नहीं कराया और सिर्फ 4 बंदों का इंतखाब करवाया, वो इलेक्शन कबूल है। और हमने जब सारी मीडिया के सामने 4 दिन से चलाते हुए इतने मजमे के सामने जो ये मजमा यहाँ मौजूद है वहां का इलेक्शन कबूल नहीं है, ये साजिश का नतीजा है। लेकिन याद रखना बेट की निशान खान साहब की निशानी है। इंशाल्लाह हम रिव्यू फाइल करेंगे, बेट का निशान वापस लेंगे। मैं एक दरखास्त करूंगा, हमने अदलिया पे हमेशा इत्माद किया, अदलिया से हमारी शिकायत और शिकवे बहुत ज्यादा है, हमें इदारों से भी शिकायत है। हमारे बंदों को रोका गया, हमें इस प्रोसेस से आउट किया गया, प्रपोजल सेकेंडरी के रास्ते रुके गए। एक वकील जो हमारे पार्टी का नॉमिनेशन फॉर्म लेके जाता है उसको अरेस्ट किया जाता है, वही वकील किसी और पार्टी का लेके जाता है उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है, उसको वेलकम किया जाता है। हमारे कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर टेक्निकल बुनियादों पर रिजेक्ट कराए गए, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। मेरी दरखास्त है आप सीज फायर होने चाहिए, ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। आप लोगों ने तहम्मुल का बर्दाश्त का मुजाहरा किया, 8 तारीख को भी मुजाहरा करो बर्दाश्त का, लेकिन हमें सबसे दरखास्त है कि 8 तारीख को बराए मेहरबानी आवाम की आवाज का रास्ता न रोकना। जिसने आवाम का रास्ता रोका है, जिसने उनके लिए अपने शतरंज की तरह हुकूमतें बनवाई है, तो मुल्क तबाही की तरफ जाता है। ये मुल्क की इकॉनमी, इस मुल्क की नाजुक जमहूरियत एक और तजदीद की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बराए मेहरबानी अवाम को बोलने दे, अवाम जिसके हक में बोले वो फैसला हमें कबूल है। अवाम पार्लियामेंट बनाएगी, अवाम हुकूमत बनाएगी, अवाम हुकूमत करेगी, अवाम जिसको चाहे मुंतखब करे वही पार्लियामेंट होगा। हुकूमत और पार्लियामेंट हमारे किसी के इशारे से नहीं जाएगी और किसी इदारे की मुदाखलत से इंशाअल्लाह ताला नहीं बनेगी। मेरी आप सबसे दरखास्त है कि 8 तारीख को मुतहद रहो, अपने निशानात पहचानो और अपने कैंडिडेट को कामयाब करो। ये खान साहब का विजन है, वो जेल में बैठे हैं आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह ताला आपने उनके अफसोस में हर एक ने इमरान खान साहब बन करके उसके मैसेज को हर घर में पहुंचाना है। और याद रखो जो लोग ये समझते हैं कि निशानात में कोई कंफ्यूज हो जाएगा, किसी निशान की जरूरत नहीं है, वोट अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई देता है तो वो तस्बीह वाले के कहने से देता है, वो तस्बीह वाले का रूप है और वो खान साहब है। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।